यहाँ पर उपस्थित सभी देश प्रेमियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए नमो बधाई करता हूँ। भारत के लिखित इतिहास में तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश देकर उनका सशक्तिकरण किया। यह उस समय महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज भारत की महिलाएं निर्धनता की ओर धकेलने वाली सामाजिक रूढ़िवादी रीति रिवाजों में उलझ कर रह गई है। सम्राट अशोक महान ने तथागत गौतम बुद्ध के महिला सशक्तिकरण की नीति को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बेटी संग मित्रा को भिक्षुणी बनाया तथा अपने साम्राज्य में महिलाओं की सम्मान भागीदारी के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्र जैसे अति महत्वपूर्ण पदों का निर्माण करके महिलाओं को नियुक्त किया था। सम्राट अशोक महान के कार्यकाल में निर्माण की गई कलाकृतियों से ज्ञात होता है कि महिला शक्ति संपन्न थी। महिला पुरुषों में भेदभाव नहीं था। निश्चित ही महिलाओं को अपने स्वतंत्र अधिकारों के तहत आजीविका कमाने, घर से बाहर रोजगार करने, स्वामित्व अधिकार पाने तथा साक्षरता में कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता था। लेकिन मौर्य काल के सत्ता ऐसे विषमतावादी लोगों के हाथ में आई जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया। ऐसे धर्म ग्रंथों की रचना की जिसमें स्त्रियों को पाप योनि कहा गया, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया और हम सदियों से चुपचाप जुल्म सितम सहते रहे। 19वीं सदी में पूरी महिला समाज को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के योगदान को हम क्यों भूल जाते हैं। भारत में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने वाली थी सावित्रीबाई फुले। दुर्भाग्य की बात है हम शिक्षक दिवस पर इस जुझारू और प्रतिबद्ध महिला को याद नहीं करते। शायद पिछड़ा आंदोलन में जितना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है और पढ़ा जाता है उतना उच्च स्थान माता सावित्रीबाई को नहीं मिल पाता है। जिनके प्रयासों से देश में सबसे अधिक दबे कुचले लोगों की बेटियों को काला अक्षर देखने समझने का अवसर मिला था। 19वीं सदी के जिस दौर में सावित्रीबाई फुले का विवाद सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था वह 19वीं सदी का अंधकारपूर्ण दौर था। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। हिंदू समाज में बाल विवाह का प्रचलन जोरों पर था। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले इस कुप्रथा के शिकार बने और ज्योतिबा राव का विवाह सावित्री से तब कराया गया जब वह स्वयं 12 वर्ष के थे और सावित्रीबाई केवल 9 वर्ष की थी। कोई नहीं जानता था कि महाराष्ट्र के नए गांव में 3 जनवरी 1831 को किसान परिवार में जन्मी यह साधारण सी लड़की एक दिन एक संघर्षशील समाज सुधारक बनेगी जो लाखों लड़कियों महिलाओं के जीवन को संपूर्ण बदलने में अग्रणी भूमिका निभाएगी।
आओ आज हम सब यह संकल्प लें कि राष्ट्र माता सावित्री बाई फूले के पग चिन्हों पर चलकर लड़कियों महिलाओं के साथ समाज देश के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह तभी संभव है जब हर घर में सावित्री पैदा होगी, ज्योतिबा राव फूले पैदा होंगे। आज भारत में विदेशी लोग अपनी लड़कियों को नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ बलात्कार होते हैं। हम रात में अकेले बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है। जब तक हम चमत्कारी शक्तियों पर भरोसा करके उनके सहारे बैठे रहेंगे, तब तक भारत में बलात्कार होता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, आत्मनिर्भर बनना होगा। जय माता सावित्री, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। नमो बुद्धाय। यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस भारत के जन लोगों को इस अंधविश्वास से छुटकारा दिलाएं और भारत को उत्थान के मार्ग पर ले जाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भारत।